है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं अरसलान ऐश। और आज की वीडियो का मकसद, जो एक रिसेंट मैंने ट्वीट की थी उसके ऊपर जो मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, बिला वजह का बैकलैश आया, लोग समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। यहाँ भी मैंने ट्वीट की, लेकिन मेरे ख्याल से जो वर्डिंग होती है वो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो सही तरह से, क्योंकि वो स्टिल एक टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। क्योंकि अक्सर भी मैं अपनी वाइफ से भी लड़ रहा होता हूँ, अक्सर हमारी लड़ाई होती है मैसेज पे लगे हैं, जब इन पर्सन बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन होती है, आप अपना मैसेज अच्छी तरह से डिलीवर कर सकते हो इस तरह, क्योंकि आप एक्सप्रेशन भी समझ आ रहे होते हैं और आप क्या बोलना चाह रहे हो वो सही तरह सुनाई भी और सुनता भी है अगले को, और उर्दू में बोलूँगा तो मैं ज़रा अच्छा एक्सप्लेन भी कर सकूँगा। तो वैसे मैंने ट्वीट की थी कुछ देर पहले कि समटाइम्स आई रियली विश आई डिडंट हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो आपको नजर आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। और इस पे बहुत से लोगों ने देखी, 608 की रनिंग कहीं लोगों ने फिलहाल तो देख लिया है, और काफ़ी एक्ट्रेस जो क्रिएटर्स सेलेब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स के भी कमेंट आए हैं, इवन के मुझे पर्सनली मैसेज आए हैं। जो जो मेन मकसद है मैं बताता हूँ ई स्पोर्ट्स के पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जो मेन मसला जो मेरे साथ है और सब ई स्पोर्ट्स साथ है, मतलब आज से 4 साल पहले तक मेरी जर्नी में शुरू की थी मैंने, और मुझे अभी तक रिसेंट अभी 4 साढ़े 4 साल हो गए, किसी गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है मुझे, और मैं कभी चाही भी नहीं, ट्रस्ट में मैं कभी चाहा भी नहीं कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ या किसी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का जाऊँ अपील करूँ। ट्वीट सब आप देखी होंगी कभी ज़िंदगी में भी, आप सर्च भी करोगे कि ऐसी ट्वीट या ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिलेगी आपको, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा, इवन वो खुद पूछते हैं। मैं बस ये कहता हूँ हाँ ये करना चाहिए, इवन पर्सनल लेवल पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, और अगर सपोर्ट मुझे बताए कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी ई स्पोर्ट्स को उस टाइम पे लाने के लिए। लेकिन एज ए ई स्पोर्ट्स प्लेयर हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, वो है जो मुझे फेस करनी पड़ी वो है वीज़ास की। अभी जो रिसेंट वाक़ था हम उसके ऊपर आते हैं। फिलहाल रिसेंटली मैं अभी जो स्ट्रगल कर रहा था, यूरोप में काफ़ी टूर्नामेंट्स आ रहे थे, एक ग्रीस के टूर्नामेंट आ रहा था वो भी आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और उसके लिए मैंने अप्लाई करना था। मैंने हर बंदे से पूछ लिया, मैंने रेड बुल से पूछा, मैंने हर बंदे से पूछा कि यार अपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन मैं पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स मिल ही नहीं है। इवन ग्रीस वाले भी हेल्प करना चाह रहे थे, वी सेंड ईमेल्स टू द एम्बेसी और हर जगह, मतलब आप सब कुछ होने के बावजूद, मेरे पास स्पॉन्सर है, हर चीज़ है, पैसे हैं, मतलब आपको इस मुल्क के अंदर अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही। मतलब अगर एक कंपनी ने आपको सपोर्ट कर रही है एटलीस्ट मान जैसी, आपको सैलरी दे रही है इतनी अच्छी, और एट द एंड आप क्या ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई होते हो, एक सिनेरियो आप देखो आतिफ भट्ट का सिनेरियो, लेट्स सी अब वो क्वालिफाई हो गया, अब उसे वीज़ा ही नहीं मिला जिससे मैं यू पे नहीं जा सका। इस तरह पास में काफ़ी लोग, इस तरह मैं खुद काफ़ी इवेंट्स पे नहीं जा सका, मतलब सब कुछ होने के बावजूद क्या हो रहा है कि मैं वीज़ा नहीं मिल रहा। प्लेयर हम हैं, लेवल हमारा सबसे ऊपर है, हम सबसे अच्छा खेलते भी हैं माशाल्लाह, फिलहाल खेल रहे हैं, गेम हमारी सबसे ऊपर है, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिला, हम जा ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, हमें अपने पासपोर्ट के ऊपर एक्सेस ही नहीं है, दुनिया हर मुल्क के अंदर जाना है हमें अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा, और सारे आई थिंक कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा सिनेरियो ख़राब हो चुका है। तो मतलब सब कुछ फैसिलिटीज़ होने के बावजूद ये चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है बंदा। और एक रिसेंट वाक्य आपको बताता हूँ कि लाइक मैं अभी फ़िलिपीन के लिए अप्लाई करना था, और उसके लिए आपको नोटराइज्ड लेटर चाहिए होता है एम्बेसी का, आपके बैंक से में आपको नोटराइज़ करवानी पड़ती है मिनिस्ट्री से, और आपको कुछ और भी नोटराइज़ कराना पड़ता है। तो उसके लिए मैं लाइन में लगा था, और लाइन सुबह 4 बजे शुरू होती है, इतनी लंबी लाइन है कि आपकी बारी 11 बजे आती है, तो आप गेस करो एक बंदा 4 बजे का खड़ा, तो 10 बजे अंदर जा रहा है, 11 बजे अंदर जा रहा है, और धूप के अंदर खड़ा हुआ है। और अगर मैं अब मैं थोड़ा बहुत लोग जाने लग पड़े हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो मैं भी खड़ा था, मेरे पास लोग आके कहें यार अरसलान भी आप भी जलील हो रहे हो, मतलब आपको तो यार कोई तो मिलनी चाहिए थी, मतलब कुछ लोग चेजा भी लगा रहे हैं, कुछ लोग जो कमीने होते हैं वो लोग टंग भी कर रहे हैं, मतलब शुगर भी लगा रहे हैं, और मैं बस खड़ा हूँ कि हाँ यार ऐसा क्या करें, पाकिस्तान है क्या करें, और कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, और कुछ लोग तरस भी खा रहे हैं मेरे ऊपर, तरस खाने वाले मुझे ज़्यादा बुरे लगते हैं जो मैं तरस खाते हैं। तो मतलब अभी इन चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है, और वो लाइन में लग कर नोटराइज लेटर बनवाया, पता नहीं लेटर कब आता है, 8 दिन बाद आता है, उसके बाद 8 दिन बाद जब वो लेटर आएगा, महीने बाद लेटर आएगा, उसके बाद एम्बेसी में जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद हमें फिलिपीन से भी इन्विटेशन लेटर, मतलब फिलिपीन
जैसे मुल्क के अंदर जाने के लिए भी आपको इतने खज्जल खवारियों से गुजरना पड़ता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। और फिर बंदा जो मेन जो प्रॉब्लम है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो जो टेंशन है हमें या मुझे, जो मेरे जैसे काफ़ी लोगों को, ई स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स के भी हैं, या तो हम प्रैक्टिस करें गेम के ऊपर, या हम, हमारे जहन में हमेशा यही रहता है कि यार हम टूर्नामेंट पे जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, मतलब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम इस जिसे मकसद है, क्या हमें वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ चलो अप्लाई कर दिया, अपॉइंटमेंट मिल गई, उसके बाद क्या हमें एम्बेसी वीज़ा देगी या नहीं देगी हमें नहीं पता, समझ आ रही है? एक जो बहुत जो बेसिक टेंशन है आपकी कि यार वीज़ा अप्लाई करना है, मतलब पहले वीज़ा होगा तो मैं उस मुल्क जाऊंगा, कॉम्पिटिशन खेलूंगा, सब कुछ करूंगा, फर्स्ट थिंग इज़ टू गेट द वीज़ा, पहली चीज़ ही नहीं है तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पागलों की तरह, और वो चीज़ मिलनी नहीं तो बंदा डिसहार्ट हो जाता बहुत ज़्यादा। और ये वही समझ सकता है जिसके साथ होता है, जो लट से अगर आप जॉब करते हो, आप करते हो, काफ़ी लोग आप मोस्टली तो पाकिस्तान में, दुनिया भर में जॉब ही करते हैं, आप जॉब करते हो और आपकी जिंदगी में अगर यही टेंशन हमेशा रहे कि यार क्या मुझे सैलरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, मतलब इतनी मैं जॉब कर रहा हूँ, सारा सारा दिन सुबह शाम में आ रहा हूँ पैसे लेकर, क्या मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर यही आपकी टेंशन रही तो आप किस तरह जॉब करोगे अपने से? हमारे लिए यही टेंशन है कि क्या हमें प्रैक्टिस करने के बाद इतनी जो कर रहे हैं हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा मकसद था बताने के लिए, ट्वीट करने के पीछे, कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और काफ़ी लोग और भी मेरी तरह के जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ना सिर्फ ईस्ट और दूसरे स्पोर्ट्स भी, हमारे पास मकसद ही नहीं है, मतलब मकसद एक हमारे पास हमें पता ही नहीं है, मतलब 50-50 सिचुएशन में ही है, उसके अलावा 50-50 के अलावा भी जो मसले हैं, हर्डल्स हैं वीज़ा अप्लाई करने तक के, स्पॉन्सर लेटर बैंक से मेरा अच्छा होना, इनविटेशन लेटर चाहिए वहाँ से, उसके बाद हज़ारों जो ढेरों डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो इकट्ठी करना और अरेंज करना और अप्लाई करना, और बहुत मसले हैं। तो ये बस इसमें क्लियर करना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर कि हमें भी सपोर्ट चाहिए वीज़ास की, मेनली जो पहली टेंशन है वो यही है कि हमें वीज़ास की सपोर्ट चाहिए, जिस तरह के दूसरे गेम्स के अंदर मिलते, क्रिकेट के अंदर मिलती है, उनको मेंशन करूँगा कि आजकल आपने किसी क्रिकेटर को सुना है कि मुझे भी डिफ़िकल्टी हुई है इस मुल्क जाने के लिए इंडिया के अलावा? नहीं हुई कभी, वो होनी भी नहीं है, क्योंकि उनको पुश मिलता है पीछे से, और हम भी अपने मुल्क का नाम ही रोशन कर रहे हैं, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और हमें भी ये चीज़ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बाकी सुनने का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और थैंक्स सो मच।